रेलवे का पास महंगा नहीं, फिर क्यों की गई महंगी पार्किंग। काम की तलाश में हम तो अम्बाला से इधर चंडीगढ़ आते हैं। सर इसको आप ये नहीं कह सकते 200 से आप 1000 रुपए कर देंगे। यहाँ से हम बस से जाएंगे तो वो भी पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक पार्किंग है व्हीकल्स की, ऑटो की और कार की, और कल तक ये पार्किंग के जो रेट थे बहुत ही कम थे, और आज 1 फरवरी है, आप जानते हैं कि बजट भी आ गया है, और यहाँ से जैसे ही पार्किंग से बाइक उठाई लोगों ने, यहाँ पे जो वर्कर हैं उन्होंने दिखाया कि ये रेट बढ़ गए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रेट क्या क्या बढ़े हैं। कल जो एक बाइक खड़े करने वाला एक दिन के 10 रुपये दे रहा था, आज वही रेट 250 रुपये हो चुके हैं। मंथली पास है जो वो 1000 रुपये हो गया, पहले 200 रुपये था। को एक बात बता दूं कि अम्बाला पानीपत से चंडीगढ़ डेली पैसेंजर हजारों लोग आते हैं और अपनी बाइक खड़ी करते हैं, अपने ऑफिसेज में जाते हैं, और उनके जो रेलवे पास हैं वो भी इतने महंगे नहीं हैं जितनी पार्किंग महंगी है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आज उनको ये सरप्राइज़ मिला है बजट का, उनसे हम बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि उनकी जो सैलरीज है क्या वो इस 1000 निकाल पाएंगे अपनी सैलरीज में से। वो कह रहे हैं कि बस के पास भी इतने सस्ते हैं, हम तो बस से अप डाउन कर लेंगे, क्या ये पार्किंग इतनी महंगी के जायज़ है। सर आप बताइए कि जो ये पार्किंग के रेट बढ़े हैं ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है सर। ये बहुत आपने इंक्रीज़ करने का लॉजिक होता है कि आपने किस बेस पे इंक्रीज़ किया। आपने किसी प्रोडक्ट का दाम इंक्रीज़ किया तो आप तभी इंक्रीज करोगे जब उसकी मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे कि मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट है नहीं, ज़मीन उतनी है और कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन में बाइक्स खड़ी हैं, शेड नहीं है यहाँ पे, पानी की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, लाइट की फैसिलिटी नहीं है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। और 200 से अगर आपको बढ़ाना भी है तो आप कितना बढ़ाओगे, 200 से सीधा 1000 रुपये। क्या इस जीडीपी के हिसाब से, हम इस परसेंटेज के हिसाब से कौन सी चीज़ ग्रो करती है। इतनी तो महंगाई की ग्रोथ भी नहीं हमारी कंट्री में जितनी ये ग्रोथ है, तो ये तो हमारे हद से बाहर, हम इसको पे नहीं कर सकते। 5% आप लोग पे कर सकते हो भाइयों, हमारी जिंदगी गाड़ी की वैल्यू नहीं है, हमारी गाड़ी की वैल्यू नहीं है। अगर आप हमारी कैसे रखे हुए, हमने पुरानी साइकिलें रखी हुई हैं, अगर आप एक साल बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी कर दोगे तो 1000 के हिसाब से 12000 की तो यहाँ पे लोगों की बाइक की वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं है, कहाँ चलेंगे सर। यहाँ इससे ज़्यादा सस्ता तो हमें, यहाँ से हम बस से जाएंगे तो वो भी पड़ेगा, 15 रुपये जाने का, 15 रुपये आने का, महीने का 750 रुपये पड़ता है बाइक रखने का, फिर कोई लॉजिक नहीं बनता। आप इस बारे में क्या कदम उठाना चाहेंगे कि कुछ नहीं, हम तो सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंसीडर किया जाए और ये जो सा रिवीजन किया गया रेट्स का, इसको वापस लिया जाए, आपका एक एस्टिमेट है कि 200 रुपये पास था और 10 रुपये डेली लेते थे ये, ठीक है। अब आपका क्या ऐसा है कि आप एक लिमिट छोटी सी अमाउंट बढ़ाना चाहेंगे, आप क्या डिमांड करते हैं। हम तो दे रहे हैं, हम सालों से देते हैं, सालों देते आ रहे हैं, 10 साल 12 साल भी देते आ रहे हैं। सर यदि आपने चार्जेस बढ़ाने ही है, आप 10%, 20%, 30% बढ़ा सकते हो आप। सर इसको आप ये नहीं कह सकते 200 से आप 1000 रुपये कर देंगे आप। इतनी सर गाड़ी की वैल्यू नहीं है। यदि आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो वो भी 10% काटती है हर साल जी। यदि आप साल के, यदि हम 12000 रुपये इनको देंगे। आप कहाँ से डेली अप डाउन करते हैं? अम्बाला से करते हैं। आपका पास कितने का बनता है, रेलवे पास कितने का बनता है? रेलवे का पास बनता है 270 का। तो आप देख लीजिए 270 का रेलवे का पास बनता है और ये अपनी बाइक यहाँ खड़ी करते हैं और अब ये 1000 रुपये मंथली देंगे, तो ये कितना नाजायज है। 270 का इनका रेलवे का पास बनता है और 1000 रुपये पार्किंग का पास देंगे। सर आप क्या कहेंगे? आज के मंदी के दौर में कमाइयाँ इतनी कम हो चुकी हैं कि आदमी को अपने दाल रोटी की इतनी फिक्र हो चुकी है कि इतना किराया बढ़ा दिया है इन्होंने, इतना किराया बढ़ा दिया है कि आदमी हम कहाँ से पे करेंगे। हमारे जो स्कूटर व्हीकल हैं वो भी इतनी कीमत के नहीं है कि हम इसमें क्या करेंगे। हमारे लिए इतनी दिक्कत हो गई है, काम की तलाश में हम तो अम्बाला से इधर चंडीगढ़ आते हैं, दर दर घूमते हैं तब जाके हमारी दाल रोटी निकल रही है, और 1000 रुपया महीना इन्होंने कर दिया। हमारे लिए इतनी दिक्कत हो गई है कि सोच सोच के हम परेशान हो रहे हैं कि क्या करेंगे, क्या बनेगा हमारा। तो आप देख लीजिए, पानीपत, कुरुक्षेत्रा, करनाल, अम्बाला, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, पंचकूला भी आते हैं और चंडीगढ़ भी आते हैं। आप ये देखिए कि ये लोग इतनी दूर से यहाँ पे रोज़गार के लिए आते हैं, और यहाँ पे क्या ये नाजायज़ नहीं है कि एकदम से 200 रुपये से 1000 रुपये पार्किंग का पास कर देना, और रेलवे का तो पास है ही नहीं इतनी कॉस्ट का जितनी की पार्किंग का पास बनेगा। मैं हूँ पुनीत सैनी अपने कैमरामैन राहुल तिवारी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।